वेलकम टू द बिशप स्कूल प्री प्राइमरी स्टैंडर्ड जूनियर केजी. गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. टुडे वी गोइंग टू लर्न अ न्यू पोएम डस्टबिन. चिल्ड्रन, वी ऑल हैव अ डस्टबिन इन आवर हाउस. हमारे सबके घर में डस्टबिन होता है, राइट? एंड व्हाट डू वी डू विद अ डस्टबिन? हम डस्टबिन के साथ क्या करते हैं? वी थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन. हम लोग कचरा डस्टबिन में फेंकते हैं, जो भी अनवांटेड वेस्ट होता है घर में, जो हमें नहीं चाहिए, वी थ्रो इट इन द डस्टबिन. गॉट इट? सो व्हाई इज द डस्टबिन केप्ट इन द हाउस? टू कीप योर हाउस क्लीन. वॉट एवर यू डोंट वॉन्ट द वेस्ट थिंग्स, द बिट्स ऑफ पेपर, जो भी है कचरा, हम लोग डस्टबिन में फेंकते. एंड देन फ्रॉम द हाउस वी कलेक्ट ऑल द थिंग्स फ्रॉम द हाउस, द वेस्ट, एंड वी गो एंड थ्रो इट इन द बिगर डस्टबिन आउटसाइड, विच इज केप्ट आउटसाइड आवर सोसाइटीज, टू कीप योर हाउस क्लीन, राइट? हम लोग जो खाते हैं, जो भी फ्रूट्स खाएंगे या पैकेट फूड खाएंगे, लेज, वेफर्स, वी डोंट थ्रो कचरा इधर और इधर, हम लोग नहीं फेंकते. हम लोग कहाँ पे जाके फेंकते हैं? हम लोग डस्टबिन में फेंकते हैं. कहाँ पे फेंकते हैं? डस्टबिन में. आप घर में खाने के बाद तुरंत चॉकलेट के पेपर और रैपर्स ऐसे ही फेंक देते हो? वी डोंट थ्रो इट दिस वे ओनली, राइट? हम लोग कहाँ पे फेंकते हैं? वी गो एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन. हम लोग कुछ भी पैकेट फूड खाते हैं, वेफर्स या जो चॉकलेट्स खाते हैं, तो उसके रैपर्स हम कहाँ पे फेंकते हैं? जाके हम लोग डस्टबिन में फेंकते हैं. इट इज़ अ गुड मैनर. इफ यू वॉन्ट टू कीप योर हाउस क्लीन, यू हैव टू पुट इट इन द डस्टबिन. वैसे ही व्हेन यू गो आउट विथ योर मम्मा टू मार्केट, हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं, बीच पे जाते हैं, वहाँ पे भी जब भी आप कुछ भी खाते हो, वॉट एवर यू ईट, पैकेट फूड और चॉकलेट्स, हम लोग खाने के बाद ऐसे रास्ते पे फेंक देते. बट वॉट हैपन्स? दैट इज गेटिंग डर्टी. द रोड्स आर गेटिंग डर्टी. यू आर कीपिंग योर सिटी डर्टी. तो उससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं? जब भी आप कहाँ पे भी जाओगे, मम्मा के साथ मार्केट में जाओगे या कहाँ पे भी जाओगे आप, तो आफ्टर ईटिंग यू हैव टू टेक द रैपर एंड पुट इट इन द डस्टबिन. रास्ते पे कहीं पे भी आप देखते हो तो थोड़े थोड़े जगह पे चलने के बाद कहीं पे भी डस्टबिन रखे हुए होते. कीप इट इन योर हैंड. आप आपके हाथ में रखो या तो आपके मम्मी के पास रखो, एंड गो एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन. कहीं पे भी प्लीज़ फेंको मत. दैट्स अ गुड मैनर टू कीप योर हाउस एंड योर सिटी क्लीन. इट इज़ यू पीपल हु एंड वी ऑल, नॉट ओनली यू बट वी ऑल हैव टू कीप आर सिटी क्लीन. सो आप कहीं पे भी जाओगे या घर में भी, ट्राई टू यूज द डस्टबिन. इवन इन द स्कूल व्हेन यू शार्पन योर पेंसिल्स, यू ऑल लीव द डस्ट एंड द डर्ट ऑफ द शार्पन पेंसिल्स अंडर योर बेंचेस. आप शार्पन करते हो और वैसे ही बेंच के नीचे रखते हो या तो टेबल के नीचे फेंक देते हो. नो, यू हैव टू गेट अप एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन. गॉट इट? इसके लिए डस्टबिन होती है. जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो डस्टबिन में फेंकने का होता है, एंड नॉट जस्ट फॉर शो. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द पोएम डस्टबिन. डस्टबिन डस्टबिन बिहाइंड द डोर. ज्यादा करके हम लोग बिकॉज वी थ्रो ऑल द कचरा इन दैट, तो डस्टबिन में जब भी हम कचरा फेंकते हैं तो वी डोंट लाइक टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. हम लोग सबके सामने डस्टबिन में रखते. ज़्यादा करके डस्टबिन हम लोग कहीं पे भी छुपाते हैं, किचन में भी, जो ड्रॉवर्स होते हैं उनके अंदर, नीचे डोर के पीछे, राइट? हम लोग वहाँ पे छुपा रखते हैं ताकि दिखे ना डस्टबिन, क्योंकि उसमें हम लोग सब अपना कचरा फेंकते. गॉट इट? So dustbin behind the door. Never throw paper on the floor. वही बात टीचर ने आपको अभी बताई. जब भी आप कुछ खाते हो या कुछ भी, चॉकलेट रैपर जो भी हो, पैकेट फूड का, लेज, वेफर, not to throw on the floor. उससे अच्छा आप खाने के बाद अगर आपके आसपास कहीं पे भी डस्टबिन नहीं है तो हाथ में पकड़े रखो
और फिर जाके जहाँ पे भी आपको डस्टबिन दिखाई दे वहाँ पे आप डस्टबिन में फेंको, डोंट लॉयटर द प्लेस योर एंड देयर, ओके। नेवर थ्रो पेपर ऑन द फ्लोर। इफ बिट्स ऑफ पेपर आर अराउंड, अगर आपको बिट्स ऑफ पेपर इधर उधर दिखाई देंगे तो आप ऐसे छोड़ के चले जाओगे, राइट, आपके क्लास में या तो आपके घर में, नो, आपके क्लासरूम में, स्कूल में या तो आपके घर में अगर आपको बिट्स ऑफ पेपर इधर उधर दिखाई देते हैं, यू शुड कैरी एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। अब क्या करोगे, आप वो पेपर्स उठाओगे और डस्टबिन में फेंकोगे, ठीक है। सो बिट्स ऑफ पेपर आर अराउंड, द स्वीपर स्वीप्स देम ऑफ द ग्राउंड। तो अगर बिट्स ऑफ पेपर इधर उधर होते हैं तो स्वीपर क्या करता है, ही स्वीप्स द फ्लोर। वो कचरा निकालने के लिए आते हैं ना, तभी वो कचरा निकालते हैं और साफ कर देते हैं। द स्वीपर स्वीप्स देम ऑफ द ग्राउंड। सो यो, वी आर डन विद द डस्टबिन पोएम। आई हैव गिवन यू द वर्ड्स डस्टबिन, डस्टबिन, डस्टबिन बिहाइंड द डोर, नेवर थ्रो पेपर ऑन द फ्लोर, इफ बिट्स ऑफ पेपर आर अराउंड, द स्वीपर स्वीप्स देम ऑफ द ग्राउंड। सो रिमेंबर चिल्ड्रन, ऑलवेज थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन ओली। नाउ योर टीचर हैज फिनिश्ड एक्सप्लेनिंग यू द पोएम, नाउ टीचर विल शो यू द पोएम अलॉन्ग विद द एक्शन एंड शी विल ऑल्सो बी डूइंग द रिविजन ऑफ द अदर टू पोएम्स, ओके। सो आई विल डू, फर्स्ट आई विल टीच यू द पोएम, दिस न्यू पोएम अलॉन्ग विद द एक्शन एंड देन आई विल टीच यू अगेन, वी विल बी डूइंग द रिविजन ऑफ द पोएम्स दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड बिफोर, ओके। सो चिल्ड्रन, फोल्ड योर हैंड्स, सिट स्ट्रेट एंड लिसन टू द टीचर द वे शी टीचेज यू द पोएम अलॉन्ग विद द एक्शन एंड आफ्टर दैट वी ऑल विल डू अलॉन्ग विद द टीचर द पोएम विद एक्शन। द नेम ऑफ द पोएम इज डस्टबिन, द नेम ऑफ द पोएम इज डस्टबिन। डस्टबिन, डस्टबिन बिहाइंड द डोर, नेवर थ्रो पेपर ऑन द फ्लोर, if bits of paper are around, the sweeper sweeps them off the ground. Once again, listen to the teacher carefully. The name of the poem is Dustbin. Okay? So here we start. Dustbin, dustbin behind the door, never throw paper on the floor. If bits of paper are around, the sweeper sweeps them off the ground. Okay? So now you all stand in your places and repeat after the teacher. Okay? Teacher has already explained to you all that you all are not going to throw the garbage or the waste paper on the floor as well as your sharpened pencils under the benches, but you all are going to throw it in the dustbin. Okay, so now once again we start, you all have to repeat along with the teacher. The name of the poem is Dustbin. Dustbin, dustbin behind the door. Once again, dustbin, dustbin behind the door. Once again, children, all together. Dustbin, dustbin behind the door. Never throw paper on the floor. All together. Never throw paper on the floor. Once again. Never throw paper on the floor. All together, children, once again. Dustbin, dustbin behind the door. Never throw paper on the floor. If bits of paper are around, once again, if bits of paper are around,
स्वीपर स्वीप्स देम ऑफ द ग्राउंड. द स्वीपर स्वीप्स देम ऑफ द ग्राउंड. वंस अगेन चिल्ड्रन ऑल टुगेदर. डस्टबिन 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 बिहाइंड द डोर. नेवर थ्रो पेपर ऑन द फ्लोर. नेवर थ्रो पेपर ऑन द फ्लोर. इफ बिट्स ऑफ पेपर आर अराउंड. If bits of paper are around, the sweeper sweeps them off the ground. The sweeper sweeps them off the ground. So now we all have done this poem, Dustbin. Once again, teacher will say the poem along with the action. You all have to repeat after the teacher, and after that, teacher will be doing the revision of the next two poems that we have already learned. So once again we'll do the poem. Dustbin, 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 dustbin behind the door. Never throw paper on the floor. If bits of paper are around, the sweeper sweeps them off the ground. So here we are done, children. Keep standing. We will quickly go through the revision of the other two poems. So children, now we will start with the revision. The first poem that we will do is ABC Tumble Down D, and the next poem that we will learn is The Cat and the Rat. So all of you all keep standing in your places and repeat after the teacher. If you all know, you all can say along with the teacher as well. So the name of the poem is ABC. ABC Tumble Down D. Cat in the cupboard cannot see me. Oh my my, tell me why. Birds fly in the sky. Once again, now teacher will go slowly. You all can repeat after the teacher. Once again, A B C. A B C Tumble Down D. Cat in the cupboard cannot see me. Oh my my, tell me why. Birds fly in the sky. Once again, children, A, B, C. A, B, C. A, B, C. Tumble Down D. Cat in the cupboard cannot see me. Oh my, my, tell me why. Birds fly in the sky. So we are done with the first poem ABC. Now we will start with the second poem, The Cat and the Rat. The Cat and the Rat. The name of the poem is The Cat and the Rat. Tommy the cat is furry and fat. Tommy the cat, once again, is furry and fat. He sleeps on a mat and wears a hat. He sleeps on a mat and wears a hat. Jerry the rat lives in a vat. Jerry the rat lives in a vat. And he gives the cat tit for tat. And he gives the cat tit for tat.
So now once again we all will do along with the action. You all can repeat after the teacher or you can even say along with the teacher. The cat and the rat. Tommy the cat is furry and fat. He sleeps on a mat and wears a hat. Jerry the rat lives in a vat and he gives the cat tit for tat. Once again, the cat and the rat. Children, this is last time, so please say nicely and repeat after the teacher. The cat and the rat. Tommy the cat is furry and fat. He sleeps on a mat and wears a hat. Jerry the rat lives in a vat. He gives the cat tit for tat. So now here we are done with our revision and even we have learnt a new poem today, Dustbin. So but we have already done with us new 5 poems. Children, keep practicing all the 5 poems till the next class. Thank you.